हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट्स एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक और स्टिच आपको सिखाने जा रही हूँ, जिसे बैक स्टिच कहते हैं। ये भी रनिंग स्टिच की तरह बहुत ही सिंपल स्टिच है। इसे बनाना भी उतना ही आसान है जिस तरह से हम रनिंग स्टिच को बनाते हैं। रनिंग स्टिच में हम सुई को आगे की तरफ ले जाते हैं। इस स्टिच में हमने सुई को बैक से लेके आगे की ओर जाना है, छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए। कोशिश करनी है कि सारे टांके बिल्कुल बराबर हों। जितना पीछे सुई को ले जाना है उतना ही आगे से उसको निकालना है। नीचे से अपनी उंगली को बचाते हुए जितने छोटे स्टिचेस लेंगे उतनी ही ज्यादा नीटनेस आएगी। पीछे की तरफ ओवरलैपिंग स्टिच बनता जाता है, जो एक दूसरे को ओवरलैप करता है, और आगे से बिल्कुल छोटे छोटे स्टिचेस दिखाई देते हैं। इस स्टिच से आप कोई भी अल्फाबेट या आउटलाइनिंग्स या फिर कोई बच्चों के लिए छोटे छोटे हैंकीज जिनमें मंडे ट्यूसडे वेंसडे लिखा होता है, आप रोज के रोज यूज आने वाले बना सकते हैं। ये स्टिच आउटलाइनिंग बनाने के लिए बहुत ही अच्छा स्टिच है। जिस तरह मैंने इस पे मंडे लिखा है, ऐसे ही ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप सारी डेज के हैंकीज बना के बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप बड़े हैं तो आप अपने पोते पोतियों को भी दे सकते हैं। इसमें भी आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस अपनी इमेजिनेशन से कर सकते हैं। बस जितना सुई को पीछे से लेना है उतना ही आगे जाना है। उससे बहुत ज़्यादा नीटनेस आएगी। बड़े छोटे स्टिच ज़्यादा अच्छे से देखिए, ये कितना सुंदर बनके तैयार हो गया है। आपने सिंपल बैक स्टिच से इस मंडे को भर दिया है, जिससे ये देखने में भी खूबसूरत लगता है, और बच्चों को जिनके हैंकीज पे आप ये बना के लिखोगे वो भी खुश हो जाएंगे। इस तरह से हर तरह से मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे के हैंकीज बना के आप अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। एक तो इसका ये यूज़ है, दूसरा आप कोई भी फ्लावर भी बना सकते हैं। इससे फ्लावर भी इसी तरीके से आपने बैक स्टिच से बढ़ते चले जाना है। जैसे मैंने ये ऑरेंज कलर के फूल बनाना है, तो इसको बैक स्टिच से ही आपने आउटलाइनिंग कर देनी है। ज़्यादातर ये स्टिच आउटलाइनिंग करने के काम ही आता है।
और बहुत सुंदर इफेक्ट देता है। जब आप थोड़ा बनाओगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। शुरू शुरू में बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर ये बेसिक स्टिचेस में आता है जो कि बहुत ही आसान है। हम बेसिक स्टिचेस से ही बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ऑरेंज कलर की सारी पत्तियाँ भरी जा चुकी हैं। अब मैं सोच रही हूँ जो बाकी बची पत्तियाँ हैं उनको मैं रेड कलर का भरूँगी ताकि फूल थोड़ा देखने में वाइब्रेंट लगे, तो उसको भी हम बैक स्टिच से ही भरेंगे। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी इमेजिनेशन से लगा सकते हैं। आपने सिर्फ बैक स्टिच से ही ये सारा फूल कंप्लीट कर लेना है। आप देखेंगे कि सिर्फ एक स्टिच से भी फूल बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए ये बहुत बढ़िया बनके तैयार हो गया है। मैंने इसकी सारी पत्तियाँ फिल कर दी हैं। ये सारा फूल बैक स्टिच से ही बनाया गया है। बैक स्टिच एक एम्ब्रॉयडरी स्टिच तो है ही, इसके साथ ही ये सिलाई के काम भी आता है, उसका भी मैं आपको यूज़ दिखाऊंगी। लेकिन आप ऐसे कुछ बैक स्टिच के पीसेस बनाकर आप किसी भी कुशन के सेंटर पीस पे भी इसको लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी गोला अटैच करना दिखाया था, उसी तरीके से आप किसी भी कुशन के सेंटर में इसको ऐसे लगा सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप इमेजिनेशन से पोलका डॉट या चेक बैकग्राउंड के कुशंस पे भी ये प्लेन पीसेस बना के सेंटर में अटैच कर सकते हैं। ये आपकी इमेजिनेशन पे है कि आप इस बैक स्टिच के फूलों को कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकते हो। ये देखने में बहुत ही, आप इसको इसकी बाउंड्री लाइन कलरफुल लगाकर आप इसको फ्रेम भी करा सकते हैं, एक जैसे पीसेस बनवा के दीवार पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये एम्ब्रॉयडरी स्टिच सिलाई एम्ब्रॉयडरी के लिए तो काम आता ही है, देखने में खूबसूरत भी लगता है और बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम आता है। इसके साथ साथ ये एक सिलाई स्टिच भी है। इसके अलावा इस टांके का एक और बहुत बढ़िया यूज़ है, वो मैं आपको बताती हूँ। इस टांके को मशीनी टांका भी कहते हैं। पुराने समय में जब मशीनें नहीं हुआ करती थी तो लोग इस टांके से अपने कपड़े सिला करते थे। आज भी जब हमारे पास
मशीन अवेलेबल ना हो तो हम इस टांके से अपनी शर्ट्स को टाइट करना या कोई कहीं से फटी हुई शर्ट हो तो उसको सिलना भी इसी टांके से कर सकते हैं। आपने दोनों पीसीज को, कपड़े के दो पीसीज को आपस में जोड़ के जिस लाइन पे वर्क करना है उस पे निशान लगा के बैक स्टिच करते हुए छोटे छोटे टांके बढ़ते चले जाना है। ये आगे से तो बिल्कुल मशीन की सिलाई की तरह ही दिखता है, लेकिन बैक साइड से ओवरलैप स्टिचेस दिखती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बैक स्टिच से सिलाई करने से कपड़े की पकड़ बहुत अच्छे से हो जाती है। बिल्कुल सेम तरीके से आपने पीछे से सुई को लेते हुए आगे की तरफ निकालना है। अब आप देखिए ये किस तरह से कपड़ा आपस में अच्छे से स्टिच हो। तो ये इसका बहुत अच्छा यूज़ है। जब हमारे पास मशीन अवेलेबल ना हो तो हम अपना कोई भी कटी हुई या उधड़ी हुई चीज़ को इस टांके के हेल्प से स्टिच कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।